इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों के साथ अहम मौजू पर एक नज़र। बेलगाम शहर और अतराफ में एक ही बारिश ने हुकूमत के झूठे वादों को बेनकाब कर दिया। अभी तो महज दो ही दिन हुए हैं, लिहाजा कई मोहल्ले के निचले इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो चुका है। यह पहली मरतबा नहीं है। बेलगाम ज़िले में अक्सर बारिश बड़े पैमाने पर होती है और ख़ासकर नदी के किनारे जो गांव हैं जहां पर बाढ़ का हमेशा सामना करना पड़ता है, आवाम और जानवरों को जान गंवानी पड़ती है। हर साल बारिश की तैयारी होने की बातें तो होती है, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। इंसान को गुजारा करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। जब जिंदगी का सरमाया लगाकर मकान तामीर किया जाता है और किसी बारिश के जद में आकर मकान ढह जाता है, तो उस किसान मजदूर उस गरीब का जीना किस तरह मुहाल हो जाता है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर इसके जूते घिस जाते हैं। कहने का मतलब, अब तो आवाम को किसी हुकूमत के ऐलान पर भरोसा ही नहीं रहा। फिर एक बार मानसून की तैयारी का दावा हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। पूरे जिला में तकरीबन 400 के करीब राहत सेंटर बनाने की बात कही जा रही है। वैसे भी हुकूमत की मदद का तजुर्बा कोरोना के दौर में अभी अभी अक्सर आवाम ने महसूस किया और तमाम तस्वीरें भी देखी जहां एम्बुलेंस नहीं आती तो किस कदर मरीज को या फिर मौत के बाद लाश को साइकिल पर, ठेले पर या फिर कंधे पर उठाकर ले जाया जाता है। एनडीआरएफ की टीमों को भी बारिश के चलते तैनात करने की बात कही जा रही है। फिर सवाल यही उठता है कि इतना हुकूमत चौकन्ना रहने के बाद भी सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को उठाना क्यों पड़ता है। फिर दवाइयाँ हो या ऑक्सीजन की कमी हो या फिर निजी अस्पतालों में लाखों के बिल वसूल करने के बाद भी जान को बचाया नहीं जा सकता। खैर, बारिश ने दमदार शुरुआत तो की है, पर बाढ़ जैसे हालात फिर आने के इम्कान जाहिर किए जा रहा। खासकर बेलगाम जिले में नदी के किनारे के गांव जिसमें कृष्णा, मलप्रभा, घटप्रभा, हिरण्यकेशी, मारकंडे वगैरह नदियों में फिलहाल पानी बढ़ रहा है। ढिडकल डैम में महज चार ही दिन की बारिश में 1734 क्यूसेक पानी ढिडकल डैम में बढ़ गया है। अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो नदी के किनारे के गांवों को खतरा बढ़ सकता है और आवाम के साथ जानवरों को भी रहने के लिए दीगर गांव में इंतजाम करना पड़ सकता है। लॉकडाउन, कोरोना और अब बारिश से इंसान की जिंदगी मौत से बदतर होती जा रही। अब शहर का हाल भी कुछ कम नहीं है। ड्रेनेज का सही इंतजाम न होने की वजह से पानी घरों में दाखिल होने की वारदातें भी बढ़ी है। मकानात नीचे और सड़क ऊपर होने से बारिश का पानी मोहल्लों में आसानी से दाखिल हो जाता है। हमने कल भी कहा था कि स्मार्ट सिटी की बदतरीन तस्वीर बेलगाम वालों को देखने को मिल रही है। महज खूबसूरत सड़कें बिजली के खम्भों से या हाईटेक रेल बस स्टेशन से या फिर बेलगाम से कितने लाख लोगों ने हवाई सफर किया, इससे किसी शहर की खूबसूरती को नापा नहीं जा सकता। बल्कि शहर के आखिरी हिस्से का वो आवाम जो अपनी बुनियादी जरूरतों से महरूम न रहे, इस पर शहर की खूबसूरती या फिर शहर के मियार को नापा जाना चाहिए। पर बेलगाम शहर में बाढ़ का नज़ारा हर बारिश में देखने को मिलता है। सब्जी बाजार भी पानी में डूब जाता है, पर हम हैं महज बड़ी सड़कों पर स्मार्ट सिटी के बस स्टॉप देखकर इत्मीनान की सांस ले लेते हैं। लिहाजा पिछले दो दिन की मुस्तकिल बारिश ने आने वाले हालात का इशारा दिया है। कॉरपोरेशन को बार बार इत्तला देने के बावजूद भी शहर के दरमियानी इलाकों में पानी ठहरना आम बात है। मरकजी बस अड्डे से बिल्कुल सटा हुआ आज़ाद नगर शहर के मरकजी इलाकों में शुमार है, पर आज़ाद नगर तीसरे क्रॉस में भारी बारिश का असर देखने को मिला। घरों में पानी ड्रेनेज के जरिए दाखिल हुआ। इससे पहले भी यहाँ गटर ना होने की बात म्युनिसिपैलिटी को बार बार बताई गई थी, पर इस इलाके को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आज़ाद नगर की तीसरे क्रॉस की घरों में ड्रेनेज का गंदा पानी किस कदर दाखिल होने से घरों में लोग रह भी नहीं सकते। घरों में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग दूसरों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। कॉरपोरेशन की गाड़ियों से पानी तो निकाला गया, पर यह इसका हल नहीं है। बारिश फिर होगी, फिर पानी घरों में दाखिल होगा। इस तरह के वाकया दीगर इलाकों में भी पेश आए। वड़गांव के साई नगर, केशव नगर, अन्नपूर्णेश्वर नगर, खासबाग, कैंप ग्लोब थिएटर के पास भी तालाब जैसा मंजर देखने को मिलता है और वो हमेशा रहता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कॉरपोरेशन या जिला इंतजामिया हर साल महज बाढ़ की तैयारी का ऐलान ही करते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे। लिहाजा जिन इलाकों में गटर नहीं है, कॉरपोरेशन को चाहिए कि जल्द गटर, ड्रेनेज और दिगर सहूलतें मुहैया कराए, वरना इन स्मार्ट सिटी के खोखले ऐलान को बंद कराए। पिछले कई सालों से सड़कों के कामों को अंजाम दिया जा रहा है, पर अब तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। अवाम को एक जगह तक पहुंचने के लिए शहर का तवाफ करना पड़ता है। अब तो शनिचर इतवार को सख्त लॉकडाउन का ऐलान जिला इंतजाम
इंतजामिया की जानिब से किया गया बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा। बाहर लॉकडाउन की मुसीबत, कुल मिलाकर मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां और इंतजामिया की सख्ती के दो चक्की के पाटों के दरमियान आवाम पीसी जा रही है। लिहाजा आजाद नगर की आवाम का कहना है कि जल्द से जल्द कारपोरेशन बेलगाम किसी तरह घरों में दाखिल होने वाले पानी का जल्द इंतजाम करे, वरना सख्त एहतजाज छेड़ने का इशारा भी यहाँ के लोगों ने दिया है। कुछ तस्वीरें आजाद नगर की और लगभग शहर के दिगर इलाकों में भी इसी तरह की तस्वीरें देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आवाम की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए जिला शहर इंतजामिया इन परेशानियों से आवाम को जल्द निजात दे दे। हमने हमारे उम्र वाले यही चलना मुश्किल है, घर में देखे तो बैठने को जगह नहीं, उतना पानी आए वो भी ड्रेनेज से आए, बाथरूम से पूरा पानी आए, ब्लॉक हुए पूरा, क्यों रहने वाले बोलो इंसान। ड्रेनेज का इतना प्रॉब्लम है यहाँ, गटरा नहीं क्या नहीं, इतनी तकलीफ होने लगी है। साल बढ़ता है हमारे घर में पानी बारिश में, और बहुत तकलीफ है हमारे लिए, और ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम है। देखो ये आज साल ये हमारे आज़ाद नगर में थर्ड क्रॉस में ये पानी का बहुत प्रॉब्लम है, घरों के अंदर पूरा पानी आता है और पानी से परेशान है लोग, कहाँ जाके रहने का, और ये म्यूनसिपलिटी को जाके समझा के भी उन्होंने क्या आते नहीं क्या नहीं, रिस्क कोई लेता नहीं, तो अभी ऐसा होने लगा। ये हमारे को मेन इंपॉर्टेंट गटर की ज़रूरत है, इधर गटर हुआ तो हमारे को सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और चेंबर भी पूरे ब्लॉक है, चेंबर का एक पाइपलाइन चेंज करके देना, और सेकंड थिंग बोले तो ये गटर बना के हमारे को देना, तो आइंदा भी वो ऐसा नहीं करें तो बाद में हमें पूरी पब्लिक वहां आके हमारे को कॉर्पोरेशन में धरना देंगे। बेलगाम निजी अस्पतालों में आज भी दवाइयों की कालाबाजारी जारी है। तकरीबन हर कोई मरीज को ग्राहक की तरह देख रहा है, जिसका नतीजा 200 की दवा 5000 या इससे भी ज्यादा रुपए में बेची जाती है। अब अस्पताल में इंसान की हालत मरता क्या न करता की तरह होती है, लिहाजा जो भी दाम लगा इस पर खामोशी अख्तियार करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं रहता। इसी तरह दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले दो बागलकोट के अपराधों को सीएन के पुलिस अफसर बीआर गड्डेकर की निगरानी में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। ब्लैक फंगस के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा बेलगाम में भी कसीर तादाद में मरीज पाए जा रहे हैं। एक निजी अस्पताल के सामने दो अपराध ब्लैक फंगस की इंजेक्शन, जिसकी कीमत 300 रुपए है, इसे 3000 में बेचने की इत्तला पुलिस को हासिल हुई, तो इन्होंने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों पर कैंप पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद तफसील जारी है। सीडी मामला अभी अदालत के जेर समात है, पर रमेश जारकीहोली की हिमायतों को फौरी तौर पर फिर से वजारत बहाल करने की जल्दबाजी लगी हुई है। लिहाजा आज बेलगाम में ऊंट की सवारी के जरिए रमेश जारकीहोली हिमायतों ने आज अपने कायद की हिमायत में नारे लगाकर फिर से वजारत बहाल करने की मांग की, पर इस ऊंट की सवारी पर अवाम की जानिब से तंज करते देखा गया, और रमेश जारकीहोली के सीडी मामले को लोग अभी भूले भी नहीं है, और मामला अदालत में है, जेर समात है, और जनाब को फिर से वजारत की जल्दबाजी है की बातें सुनने मिल रही थी। अक्सर लॉकडाउन में कुछ लड़के किसी न किसी काम को अंजाम देते रहते हैं और देने की कोशिश भी करते हैं, लिहाजा अंगोल में मच्छी पकड़ने के शौक ने महज 14 साल के लड़के को बिजली का झटका लगने से जान गंवानी पड़ी। अंगोल तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए गया था, करीब की झाड़ी में बिजली की तार टूट कर गिरी हुई थी, जिसका इल्म विकास मुगेरा नामी लड़के को नहीं था, और अचानक इसने बिजली की तार को छू लिया, जिसकी वजह से जगह पर ही मौत हो गई। नौजवान लड़कों को चाहिए कि जिंदगी एक बार मिलती है, बहुत सोच समझ कर हर कदम उठाना पड़ता है। अक्सर कम उम्र में दोस्तों के साथ बिना सोचे समझे कहीं पर भी जाते हैं और किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, लिहाजा पीछे वालिदैन को गम के समंदर में छोड़ जाते हैं। गरीब होने की बिना पर हेल्प फॉर नीडी के सुरेंद्र अंगोलकर ने तमाम आखिरी रसूमात का इंतजाम किया। सेवा फाउंडेशन कैंप की जानिब से हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मजदूर मुलाजमीन ऑटो रिक्शा और दीगर लोगों को राहत पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसके लिए कुछ जगहों पर रुपये लेने की भी बात सामने, इनकी अर्जी को दाखिल करने के रुपये लिए जा रहे थे। इसी के मद्देनजर मुफ्त अर्जियां दाखिल करने का काम सेवा फाउंडेशन की जानिब से कैंप में किया जा रहा है। सेवा फाउंडेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम जो दिया है लेबर लोगों के लिए, हाँ कि 2000 रुपये वो जो मिल रहे हैं स्कीम में, तो सेवा फाउंडेशन जो है इसका काम आपके फ्री में लोगों को कर रहा है। सुनने में ये आ रहा था कि सिटी में जो है साइबर वाले जो है
एक फॉर्म के लिए 200 रुपये लेके ये काम कर रहे थे, तो ये देखने के बाद हम लोग सेवा फाउंडेशन जो है हमारे हमारे डेली के काम को थोड़ा स्टॉप करके ये काम करने का सोच के ये स्टेप लेके हम लोग अपना सेवा सिंधु का फॉर्म्स हम लोग के भर रहे हैं। और एरिया वाइज हमारा सुभाष नगर में एक टीम है, वो सुभाष नगर का टीम भी उधर भी हमारा काम चल रहा है, और अपना पिरनवाड़ी ब्लॉक है, अपना पिरनवाड़ी ब्लॉक में भी अपना काम चल रहा है। और पूरे बेलगाम सिटी के लोगों को एक मैसेज है, अगर ये तुमको भी ये फॉर्म करना है जो जो इसका सुविधा ले सकते हैं, जो इसके लिए एलिजिबल है, वो आके हमारे पास फॉर्म भर सकते हैं अपना फ्री में। बेलगाम शहर के करीब गौंडवाड़ गांव के खेतों में बारिश का पानी दाखिल हुआ है। विनोद पवार नामी शख्स के खेत में 6 किलो से भी ज्यादा वजन की मछली देखी गई। इस मछली को देखने के लिए लोग जमा। इस तरह की मछली खेत में इससे पहले कभी नहीं पाई गई थी, ऐसा लोगों का कहना है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से सब्जी मंडी की हालत देख फिर से पहले की तरह एपीएमसी में सब्जी मंडी में ही काम जारी रखने की मांग को जिला इंतजामिया ने आखिर मंजूरी दे दी है। कल इस बात पर हमने भी सवाल उठाए थे कि सब्जी मंडी में कीचड़, बारिश, पानी और किसानों के हालात बदतर होते जा रहे, लिहाजा इंतजामिया की जानिब से आने वाले पीर से एपीएमसी में बाजार को फिर से शुरू किया जाएगा, ऐसा कहा। रियासत भाजपा में फिर से इख्तलाफात उभर कर आते देखा जा रहा है। अरविंद बेल्लत भी वजीर आला के दौड़ में आगे होने की बात कही जा रही है, पर जब से भाजपा रियासती जिम्मेदार अरुण सिंह ने येडियुरप्पा ही वजीर आला होंगे और आने वाले 2 सालों तक कोई कयादत तब्दीली का इरादा नहीं की बात कही थी, लिहाजा अरविंद बेल्लत ने अपने इकदाम को तेज करते हुए कहा, जानबूझकर मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं। अरविंद बेल्लत धारवाड़ के रुकने हैं। रेणुकाचार्य ने इनके फोन टैपिंग के इल्जाम को बेबुनियाद बताया है। जो भी हो, पर आपसे इख्तलाफात अभी खत्म हुए हैं, ऐसा ही दिख रहा है। आज बेलगाम में कोरोना मरीजों का बतौर सरकारी आंकड़ा पॉजिटिव मरीजों की तादाद 172 पाई गई है, तो कोरोना से मरने वालों की तादाद 6 बताई गई है। कुल मिलाकर तादाद घटने की बात कही जा रही है। आने वाले 22 तारीख से लॉकडाउन को खोला जा सकता है और रात में कर्फ्यू भी जारी किया जा सकता है, इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। इस तरह के इम्कान तो रोशन है, सरकारी तौर पर अभी कुछ फैसला तो नहीं लिया गया है। कर्नाटक का तकरीबन हिस्सा फिलहाल अनलॉक हो चुका है। बेलगाम समेत दिगर 11 जिलों में लॉकडाउन जारी है, जो आने वाले हफ्ते में खत्म कर रात का कर्फ्यू लगाया जा सकता है, इसी तलाश जिले। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।